दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आएं हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन, बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन। अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कूकटपल्ली, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु के लायक और ज़ैबा है कि जिस पाक परवरदिगार ने हम सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना इनायत फरमाया। खास कर से सारी मेरी हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का मेरा ये छोटा सा जो अपडेट देने का मेरे हीरा ग्रुप फैमिली को मैंने ये मुनासिब समझा कि दो दिन से कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि SFIO ने जो है FIR किया है और SFIO ने जो है ये कहा है वो कहा है, बहुत सारे चीज़ें ग्रुप्स में अलग अलग जगहों पर जो है वायरल हो रहे हैं करके, मगर अब तक तो मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ उसका नहीं है। मुझे नहीं मालूम, ऑफिशियल कोई पेपर मेरे हाथ में अभी तक नहीं है। और दूसरी बात जो है कि मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि 12 तारीख को SFIO ने और SFIO एजेंसी ने एक लिस्ट को जारी किया अपने वेबसाइट के ऊपर, जिसमें लिखा गया कि 6,200 लोगों ने जो है कंप्लेंट किया हुआ है और ये लिस्ट है करके। उसके बाद वो लिस्ट के जारी होने के बाद उसमें का अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इतने लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इतने लोगों के रिसीव हुआ है, इतने कुरियर आए हुए हैं, इतना सब कुछ करके बोल के। तो इंशाल्लाह मैं उससे पहले जो है सार को मुलाकात भी करी थी, रमेश सार को जाके, कि मैंने कहा था कि सार मुझे एक लिस्ट आप दे दीजिए, देने के बाद में मैं क्या है कन्फर्म कर पाऊंगी कि किसको ये करना है किसको नहीं करना है, कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं, वो मुझे एक जरूरी है। तो सार ने कहा था ठीक है, हम लोग लिस्ट जो है ऑफिशियली ही रिलीज करेंगे तो फिर मिल जाएगा तुमको भी, तो ठीक है करके बोल के मैं आ गई थी, उतना ही बात थी। उसके बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है 12 तारीख को जब SFIO का लिस्ट जो है वेबसाइट के ऊपर आया तो वो वायरल हुआ, तो लोग काफी लोग पैनिक हुए। और 13 तारीख को सुबह में जो है कुछ लोग आकर हंगामे करने लगे कि हमने कंप्लेंट ही नहीं किया, हमारा कैसे नाम आ गया, हमने पेपर्स भेजा ही नहीं, हमारा नाम कैसे आ गया, किसने डलवाया, तुमने ही तो डलाकर जो है उसमें रखने दिया। मतलब लोग है अलग अलग सी बातें करते हैं, कुछ लोग जो है एनिमीज हैं, जानबूझकर भी आकर ऐसे काम करते रहते हैं। तो फिर मैंने एक सर्कुलर 14 तारीख को पास किया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि आप अशिष्ट करो SFIO को, आप वो भी तुमको अशिष्ट करेंगे, तुम सब मिलकर जो है ना ये मसले को हल करो करके बोल के सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। तो वो आर्डर को पढ़ते हुए मैंने एक सर्कुलर अपने स्टाफ को पास किया कि एक डेस्क जो है खास कर से जो लोग ऐसा आकर रोते हैं करते हैं और कहते हैं हमने कंप्लेंट नहीं किया, हमने भेजा भी नहीं है, SFIO को भी नहीं दिया, हमने कहीं भी नहीं गया, इसमें हमारा नाम है, तो उनका सबका एक एक लेटर ले लो और उनसे उनके नाम भी नोट करा लो, क्योंकि ये तो हमारे पास आके ऐसा बोल रहे हैं, मगर वहां SFIO में क्या बोले हैं हमको नहीं मालूम, इन्होंने कंप्लेंट भी किया है तो हमको तो पता नहीं। फिर मैं क्या करूंगी, ये सारा लिस्ट लेकर जाकर जो है रमेश सर से एक बार चेक करा लूंगी, जो SFIO ऑफिस के आई वो है उनसे मैं चेक करा लूंगी कि सर आपके पास क्या इन्होंने कंप्लेंट दिया है क्या नहीं दिया है, अगर दिए है तो क्या करना है, नहीं दिए है तो क्या करना है, मैं उनसे पूछूंगी। क्योंकि अभी मालूम है कि बेलापुर ऑफिस बहुत बड़ी है, इसमें कई काउंटर्स हैं और सौओं के काउंटर्स हैं, तो उसमें हर जगह पर हर आदमी जाके अलग अलग पूछता है तो उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए जो है हमारे स्टाफ ने जो है एक प्रिंट निकालकर SFIO की जो भी है हेल्प डेस्क ये है करके बोल के SFIO के बारे में जो भी बात करना चाहती हूँ उनके लिए ये हेल्प डेस्क है करके बोल के इंशाल्लाह एक हेल्प डेस्क जो है अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाया। और लगाने के बाद फिर मैंने सुना कि जो है कि सारे इधर आए हुए थे और देखे और करके बोल के हमारे स्टाफ ने बताया है मुझे कि सर आए हुए थे देखे हैं करके, मगर उसके बाद क्या है मुझे नहीं मालूम कि सर ने मतलब क्या किया है क्या नहीं किया है, ये जो वायरल होता है क्या वो फेक न्यूज है क्या सच न्यूज है, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगर है भी तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो हमको कोई भी उतना टेंशन लेके फिक्र करने की बात नहीं है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को फॉलो किया है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप असिस्ट, आप उनका हेल्प करोगी और उनका सपोर्ट करोगी हर तरह से भी। उनको भी कहा है कि तुम हीरा ग्रुप को सब साथ में मिलकर क्या है, तुम डेटा ले लो, साथ में मिलकर जो है कस्टमर का पूरा भी चेक करा लो वगैरह करके बोल के। अगर आपके घर में भी कोई फाइल है, वो फाइल आके फलाने डिपार्टमेंट की है, तो फाइल पर एक प्रिंट आउट लगा देना गलत करके बोल के, तो हमको नहीं मालूम उस बारे में। और इंशाल्लाह दूसरी बात क्या है कि एक असिस्ट करने के लिए उन लोगों की परेशानी को देखकर रमजान के महीने में आ रही बोल रहे हैं आपा हमने कंप्लेंट नहीं किया, आपा हमारी मदद करो, तो कुछ लोगों को मैंने मदद भी कर दिया। चलो जो भी है बाद में देखा जाएगा, क्योंकि एसएफआई वो भी पैसे देना है, हमको भी देना है, और जहां दोनों जगह से भी पैसे देना ही देना है, तो फिर इंशाल्लाह उनको भी एक 20% देते ही। कुछ लोगों को जो है उनमें से भी मैंने पेमेंट किया, जो भी है आकर परेशान हो रहे थे, अपनी तंगी बता रहे थे, बीमार है हेल्थ की वजह से या कुछ भी है, तो इंशाल्लाह बस इतनी ही बात मुझे मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे लीगली तो मेरे पास कोई पेपर, कोई एफआईआर, कोई भी मेरे पास नहीं है अभी तक। इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह के फजल से, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंशाल्लाह उसको देखेगी जरूर से अल्लाह के फजलो करम से। इंशाल्लाह मैंने सर्कुलर भी पास किया और वो सर्कुलर वेबसाइट पे भी मैंने 14 तारीख को अपलोड भी किया है कि जो भी अगर इस तरह के लोग हैं तो वो जो है एक इस काउंटर पे जाके जो है इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। तो वो स्टाफ जो काउंटर में बैठते थे उनसे इंफॉर्मेशन लेते थे कि अच्छा नहीं किया है तो फिर बताओ करके उनका नाम आईबीजी नंबर लेते थे, और ये जो 6000 की लिस्ट थी वो प्रिंट आउट लेके बैठे हुए थे कि इसमें से कौन बंदा आया हुआ है करके बोल के इंशाल्लाह। तो इसलिए लोगों की सहूलत के लिए मैंने ये जो है वो काम किया था, और बाकी जो है मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मालूम क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं करके बोल के। मगर इंशाल्लाह जो है ऐसा कुछ ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। आप सब रमजान आराम से करिए इंशाल्लाह, जो भी है अल्लाह के फजल से जो है कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। मैं पहले भी बताई हूं कि एसएफआई वो भी आपका काम कर दे या मैं भी कर दूं, तो फिर ये फिर उसके बाद सार आ जाने के बाद में हमारे स्टाफ थोड़ा ये हो गए कि नहीं हम लोग एसएफआई वाले लोगों को जो है नहीं अब ये करेंगे सपोर्ट नहीं कर, मतलब जो भी है वो नहीं कर सकते करके बोले के बोले हैं करके बोल के। फिर ठीक है इंशाल्लाह, मैं बोली सारा अगर बोलते हैं तो ठीक है ऐसी बात कुछ भी नहीं करके, बस मैं आप सबके अपडेट के लिए इंशाल्लाह बताना चाह रही थी और कुछ भी नहीं। मगर इसके पीछे कौन है जो एजेंसीज को भी मिसगाइड कर रहे हैं, एजेंसीज को भी जाके जो है गलत गलत बातें, गलत चीजें बता रहे हैं, इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ी एजेंसी को इंक्वायरी बिठाना जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एजेंसी ही जो है ये इंक्वायरी करेगी कि इसके पीछे कौन है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे मैसेजेस वायरल करते हैं और लाखों के लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, और एजेंसीज को भी कॉल करके बोलकर यहां तक पाप उनको आने के लिए तकलीफ पहुंचाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इंशाल्लाह, जो भी है लीगल है, लीगल है तो देख लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में मुझे आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा है कि आप एसएफआईओ को जो है पूरा टोटली कोऑपरेट करोगे और उन्होंने भी तुम्हें कोऑपरेट करेंगे, और जो भी है मिलकर जो है पहले से पहले कस्टमर का काम जो है सॉल्व करो। और वही हमारा मकसद था, और मेरा मकसद तो वही था और एसएफआईओ का भी वही मकसद है कि तुम्हारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सार से मैं मुलाकात करके बात की तो सार ने भी यही कहा कि जल्द से जल्द जो है हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन रियल कस्टमर है, कौन फेक है, क्या है करके बोले। तो उसके लिए तो मुझे एक काउंटर बनाना ही पड़ेगा जब ही मैं वो काम वहां पर बैठ के कर सकती हूँ, नहीं तो लोग जो है हर काउंटर के ऊपर जाना लग जाएंगे। बस यही है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब ठीक है अल्लाह के फजलो करम से। इंशाल्लाह आप सब जो है आराम से रहिए, रमजान में दुआ करिए, लीगल जो भी है इंशाल्लाह देख लेंगे, कोर्ट देख लेगी, सुप्रीम कोर्ट देख लेगी। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में 5-6 बार वो वर्ड लिखा गया है इंशाल्लाह, उसके बाद ही मैं सर्कुलर पास की हूँ और वो लिस्ट जारी होने के बाद ही मैंने सर्कुलर पास किया है, उससे पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। इंशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक खुसूसी डिस्काउंट के साथ, और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।